मंदिर में मुर्गा मांस फेंक कर अराजक तत्वों ने सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। आपको दो तस्वीरें दिख रही होंगी, एक मऊरानीपुर तहसील परिसर की है और दूसरी तस्वीर कोतवाली की है। इस मऊरानीपुर नगर की वास्तविकता बताने के लिए ही काफी है। इस नगर की गंगा जमुनी तहजीब ही इस नगर की अनमोल धरोहर है। कई मस्जिदें और सैकड़ों हजारों वर्ष पुराने मंदिर इस नगर में स्थित हैं। विषम परिस्थितियों में भी इस धार्मिक नगरी का कभी माहौल खराब नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के मऊरानीपुर कस्बे में समुदायों के बीच कभी दंगा फसाद नहीं हुआ है। ये नगर हमेशा धार्मिक उन्माद की बीमारियों से दूर रहा है। समय समय पर कड़वाहट घोलने के कई प्रयास किए गए, बावजूद इसके अराजक तत्व अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके। बीते रोज नगर के बीचों बीच स्थित चौमुखी माता रानी के मंदिर पर कुछ शरारती तत्वों ने मुर्गे के पंजे फेंक कर धार्मिक उन्माद फैलाने की गहरी साजिश की है। दो दिन पूर्व एक समुदाय के लोगों ने कोतवाली प्रभारी से मिलकर अराजक तत्वों द्वारा नगर का माहौल खराब करने की बात कही थी। घटना के संबंध में जो खबरें आपको बताई जा रही हैं और जो खबरें छिपाई जा रही हैं, इन दोनों खबरों में नगर के लोगों को फर्क करना सीखना होगा। जो भाईचारा की मिठाई को जहरीला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर ये लोग कौन हैं जो मऊरानीपुर नगर एवं क्षेत्र का आपसी सद्भाव का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो मन मुटाव पैदा करके आपसी रिश्तों को खराब करने का कार्य कर रहे हैं? स्थानीय पुलिस ने ऐसे लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस, उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की। पुलिस प्रशासन को चाहिए जो भी इस कांड में दोषी हो उनके चेहरों को बेनकाब करे, सख्त से सख्त कार्यवाही करे, जिससे किसी भी धार्मिक समुदाय के सामाजिक रिश्तों को चोट न पहुँचे। हाँ महाराज बताएं, क्या क्या हो गया मंदिर में? आप भाई जी, आज बुधवार का दिन है तो पूजा किसी ने दी होगी तो कम की कम पूजा दे दी। क्या हुआ, क्या है मंदिर में? आप भाई मंदिर में क्या है कि मुर्गा चढ़ा गया काट के। आप कितने बजे आए थे मंदिर में? मंदिर आए थे हम सुबह, कहीं कुछ नहीं था। उसके बाद जो है एक घंटा बाद 15 मिनट के भीतर कोई चढ़ा गया। आपने पट खोले तो क्या आपको देखने को मिला मंदिर में? मंदिर में साफ सफाई थी जब मंदिर खुला। अच्छा, फिर इसके बाद? इसके बाद देखा कि जो है मुर्गा की टांगे डली थी, गोद डरा देवी जी के मंदिर। वर्तमान समय में मऊरानीपुर का माहौल कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है। इसी संबंध में आइए हम बात करते हैं हमारे नगर की धार्मिक एवं बुद्धिजीवी वरिष्ठ पत्रकार अशोक गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं इस नगर को आप कैसे देख रहे हैं वर्तमान समय में। देखिए, मऊरानीपुर में पिछले कुछ दिनों से एक अजीब तरह का माहौल पैदा हो रहा है। 24 जनवरी को इस मंदिर में जो घटना हुई है वो बहुत शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं यदि किसी ने पागलपन में की है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने जिस शरारतन की है, नगर का और क्षेत्र का माहौल ख़राब करने की उद्देश्य से की है, तो यह बहुत गंभीर मामला है। इसको प्रशासन को सभी पहलुओं की जांच करके इसकी छानबीन करना चाहिए। मऊरानीपुर नगर मंदिरों की नगरी कहा जाता है, इसके साथ ही ये सौहार्द की भी नगरी है। मेरी जहाँ तक याददाश्त है, पिछले 50 वर्ष में मैंने देखा है मऊरानीपुर में कभी भी किसी प्रकार की कोई तनाव यहाँ पैदा नहीं हुआ। दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार पर्व मनाते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में भागीदार रहते हैं, और मऊरानीपुर का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो सचमुच बेमिसाल है। यहाँ के सौहार्द की जो तारीफ की जाए उसके लिए शब्द भी मेरे पास कम है। यहाँ ये नगरी बुंदेलखंड की गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक है मऊरानीपुर।
जिला प्रशासन से क्या अपेक्षा है? मेरी जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि इस घटना की सभी पहलुओं की वो जांच करें, और यदि इसके पीछे कोई साजिश है तो साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इस केस को सही ढंग से वर्कआउट किया जाना चाहिए, ताकि मऊरानीपुर में भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। स्वागत है डीएम साहब, और मैं आज मऊरानीपुर खुद किए हैं। आज एक छोटी सी एक घटना हुई जो आपने सामने बताया कि इस चौमुखी माता मंदिर है, उस मंदिर में उस मूर्ति के नीचे मुर्गा का पांव कटा हुआ जो लेके उसको लेके यहाँ पे एक तरफ वार्ता करने आए थे, और सभी लोगों को यहाँ आश्वासन दे दिया गया कि हमारा सीसीटीवी फुटेज पूरा देखा जा रहा है, क्योंकि दिन की घटना है और पुजारी भी वहाँ उस समय मौजूद थे, तो उसको लेके भी हम पूरा चार अलग अलग टीम गठन किया गया और वहाँ पे पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, और कोई भी इस सीसीटीवी फुटेज का आइडेंटिफिकेशन दौरान कोई भी मिलेंगे तो हम उनके खिलाफ सख्त कदम कार्रवाई करेंगे। बाकी तनाव जैसे कोई सिचुएशन नहीं है, हम शांति व्यवस्था कायम है। सर कुछ अभी लोग कुछ पकड़े गए हैं सर, कोई जानकारी ऐसी कोई? क्योंकि हम सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, जो जो लोग मिल रहे हैं उन लोगों को पूछताछ तो कर ही रहे हैं जी। अदरवाइज अब सभी लोगों को पता है कि वो मंदिर का आने जाने रास्ते में बहुत सारे फुटेज मिले ही हम लोगों को, उसको कंगाला जा रहा है। मोहम्मद अजीज मंसूरी निवासी मोहल्ला नदी पर कटरागढ़ निवासी हूँ, जो मऊरानीपुर में जो कल एक मंदिर पर जो कि काफ़ी पवित्र मंदिर है उसके ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ ममाशु के कुछ टुकड़े फेंके गए हैं, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और ये मऊरानीपुर शहर गंगा जमनी की तहजीब का शहर है, हम लोग सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, हम लोगों को तो कभी एहसास भी नहीं होता है कि ये यहाँ पर ऐसी घटना हो सकती है, ना आज तक हुई है। और हम लोगों की एक और मांग है प्रशासन से कि इसका जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए, और जो भी मुलजिम दोषी हों इनको सख्त से सख्त सजा मिले कि ये दोबारा पुनरावृत्ति ना होने पाए। हमारे साथ में मऊरानीपुर नगर के प्रमुख समाज सेवी हैं पंकज श्रीवास जी, आइए उनसे जानते हैं मऊरानीपुर के क्या हालात हैं वर्तमान दौर में। पंकज जी बताइए। मऊरानीपुर के हालात बिगाड़ने चाह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन इतिहास गवाह है कि मऊरानीपुर एक पवित्र माना जाता है, यहाँ पर आज तक कोई दंगा फसाद नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ अराजकत्व के लोग इसको कुछ बिगाड़ना चाहते हैं यहाँ का माहौल, लेकिन इन पर प्रशासन को कड़ी निगरानी रखना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए इन लोगों के ऊपर, जिससे मऊरानीपुर का माहौल शांति प्रिय बना रहे